الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم शायर कहता है जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो रखिएगा जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई सुभान अल्लाह और मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई हजरत मोहतरम आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम सब के आका मौला सैयदी अरब अजम साहिब जुदो करम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में दुर्द पाक का नजाना पेश करें पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदी शायर कहता है सारे आलम पे है रहमत का उजाला तेरा सारे आलम पे है रहमत का उजाला तेरा तेरा दरबार जुदा तौर निराला तेरा सारे आलम पे है रहमत का उजाला तेरा तेरा दरबार जुदा तौर निराला तेरा किसके हिस्से में नहीं आया है सदका तेरा वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कदरों मंजिलत का अंदाजा कैसे भला इंसान लगा सकता है उनके बुलंदी का कैसे शुमार किया जा सकता है कहते हैं जब उनके साथ रहने वाले सहाबा आका की कदरों मंजिलत को ना समझ सके तो आज के जमाने में रहने वाला बंदा कैसे समझ सकता है तो शायर कहता है उनकी इज्जत को जमाने का जुलू क्या जाने जौक में क्या है भला जामो सुबू क्या जाने
जब सहाबा नहीं आगाह अदू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है, मेरे आका फरमाते हैं कि अर परवरदिगार आलम अता फरमाने वाला है और मैं उसकी नेमतों को बांटने वाला हूं। मेरे आका फरमाते हैं अना कासिमुन, मैं बांटने वाला हूं और रब अता करने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत को आला हजरत यूं ही नहीं कहा गया। आला हजरत ने जितने भी अशार बोले हैं या लिखे हैं, या तो वो कुरान का तर्जुमा है, या वो हदीस का मफहूम है, या वो फुकहा के अकवाल हैं। आला हजरत का एक एक अशार या तो कुरान की तर्जुमानी करता नजर आता है, या हदीस की तर्जुमानी करता नजर आता है, या हदीस के मफहूम को बयान करता नजर आता है। इसीलिए तो शायर कहता है मोती अल्लाह है तुम कासिम तकदीर और नसीब। मोती अल्लाह यानी अल्लाह अता करने वाला है। मोती अल्लाह है तुम कासिम तकदीर और नसीब, पुरबे मौला उसे हासिल जो हुआ तुमसे करीब। खाह दुनिया हो अदू खाह जमाना हो रकीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। और शायर कहता है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद हुई तो बुदगदे मुंह के बल गिर पड़े और सारे बुदगदे जिस पर बातिल माबूदों की इबादत हो रही थी सब ओंधे मुंह पड़ पड़े कि आज आमना के लाल की आमद आने वाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुफ्रो ईमान के दरमियान इम्तियाज होने वाला है, हक व बातिल के सर दरमियान फर्क होने वाला है कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर उसको कहता है कि जब आमिना का लाल आया, जब अल्लाह का हबीब आया, जब नबी आखिरु ज़मा आया, तो उसके आने के बाद अब जो उसका दीवाना हुआ उसे अपने आका के दर को छोड़कर किसी और के दर पर जाने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी को शायर कहता है सौ में आ गिरजा सनम देर का मुंह क्या देखे। ये उन बुतकदों के नाम है जिसमें इबादतें होती थी बातिल माबूदों की, उनका नाम शायर जोड़ाता कहता है सौ में आ गिरजा सनम देर का मुंह देखे। ये सनम अरबी का लफ्ज है, इसका माना होता है बुध। उसी को शायर ने कहा सौ में आ गिरजा सनम देर का मुंह क्या देखे, बदरे कामिल का नजर चीर के मुंह क्या देखे, महरे पुर नूर निगाह खैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। हजरत मोहतरम आप जानते हैं कि हम और आप जब दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो इस पर एतराज होता है और कुछ लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हमारी फरियाद को सुनते नहीं है, हमारी हाजत को सुनते नहीं है, हमारे सलाम को सुनते नहीं है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि मिश्कार शरीफ की हदीस है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया। सुभान अल्लाह। तुम में से कोई भी शख्स जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जो मुझ पर सलाम पढ़ता है, इल्ला रद्दल्लाहु इलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिश्कात शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, बड़ी मोतबर किताब है, सिहाए सित्ता के बाद इसका नंबर आता है मिश्कात शरीफ। ये दरसे निजामी में भी पढ़ाई जाती है, इसे सुन्नी भी पढ़ते हैं, वहाबी भी पढ़ते हैं, देवबंदी भी पढ़ते हैं, इसके पढ़ने के बगैर कोई चारा ही नहीं होता। उसमें यह हदीस मौजूद, मेरे आका ने फरमाया वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, तुम में से कोई शख्स जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जो मुझ पर सलाम पढ़ता है, इल्ला रद्दल्लाहु इलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। मेरे आका फरमाते तुम में से जब कोई मुझ पर सलाम पढ़ता है, तो जब वो मुझ पर सलाम पढ़ता है तो मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है और मेरी तवज्जो उस सलाम वाले की तरफ होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं मेरे आका हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, और जो मुझ पर सलाम भेजता है मैं उसके सलाम का जवाब भी दे देता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हदीस के अल्फाज का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, अब इसके मफहूम को बयान करने की कोशिश करता हूँ। एक बात आप बताइए,
सलाम तो हम और आप भी करते हैं। जब हम और आप एक दूसरे को सलाम करते हैं तो हमारी जुबान पर कुछ होता है, हमारे दिल में कुछ होता है। ये सभी के साथ है। जब हम और आप एक दूसरे को सलाम करते हैं तो हमारी जुबान पर कुछ होता है, हमारे दिल में कुछ होता है। कई दफा हम किसी को सलाम भी करते हैं तो माना सामने रखकर सलाम नहीं करते, बस हम एक ट्रेडिशन, एक फैशन के तौर पर सलाम करते हैं। कभी कभी हमारी किसी से मुखालफत भी होती है, उसको भी कहते हैं सलाम अलैकुम। यानी मैं और आप किसी को सलाम करें तो उसमें मुमकिन है कि जुबान दिल की रफीक ना हो, जुबान पे और हो, दिल में और हो, मगर नबी वो होता है जो जुबान से निकालता है, वो वही इलाही होती है, वो हकीकत है। तो जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं मेरा रब मुझे कहता है हबीब जरा देख तेरे गुलाम ने तुझ पर सलाम भेजा है, मेरी तवज्जो सलाम वाले की तरफ होती है, मैं उसके सलाम का जवाब भी दे देता हूँ। तो सलाम का जवाब क्या है? वालेकुमुस्सलाम, तुझ पर भी सलामती हो, तू भी सलामत रहे। अरे जिसको नबी कह दे तू सलामत रहे, उससे बड़ी किस्मत वाला कौन? सुभानअल्लाह, जिसको नबी कह दे तू सलामत रहे, उससे बड़ी किस्मत वाला कौन होगा? तो हम तो आका पर सलाम भेजते हैं जवाब लेने के लिए, हम तो आका पर सलाम भेजते हैं दुआ पाने के लिए, हम तो आका पर सलाम भेजते हैं ताकि जवाब मिल जाए, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर। सुभान अल्लाह। और ये इंसान ही नहीं, इंसान ही नहीं बल्कि हैवानात, जमादात और इंसान, ये सब के सब अल्लाह के जितनी भी मखलूक है सब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानती भी है, पहचानती भी है और आप पर दुरूद सलाम भी पेश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ ये वाकया, ये रवायत मौजूद है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज सफर पर निकले हुए थे, साथ में हजरत अनस भी मौजूद थे। ये सहाबी रसूल आका के साथ थे। आखिर सफर करते करते एक सहरा में मेरे आका पहुंचे और मेरे आका ने आराम फरमाने का इरादा किया। तो जब जंगल में पहुंचे और मेरे आका ने आराम फरमाने का इरादा किया तो अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और हजरते अनस रदी अल्लाह ताला अन मेरे आका के इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं ताकि कोई चीज आकर आका को नुकसान ना पहुंचा दे, आका को कोई चीज तकलीफ ना पहुंचा दे। तो हजरते अनस कहते हैं कि मैं देख रहा था उस जंगल में दूर एक दरख्त नजर आ रहा है। वो कहते हैं मैं उस दरख्त की तरफ देखता रहा, कुछ देर जब मैं देखता रहा तो मैंने क्या देखा कि वो दरख्त अपनी जगह से हिला, हिलने के बाद अपने जड़ के साथ जमीन से निकला और निकलने के बाद चलने लगा, चलता हुआ आका के कदमों में आकर खड़ा हो गया। वो कहते हैं जिस तरीके से हम अब किसी बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाते हैं तो वहां पर अदब का ये तकाजा होता है कि जब हम किसी वली की बारगाह में जाए, किसी आलिम दीन की बारगाह में जाए, किसी पीर तरीकत की बारगाह में जब जाते हैं तो हमारे अदब का ये मकाम होता है, ये लिहाज होता है कि हम अपने सरों को झुका देते हैं, हाथों को बांध देते हैं। हजरत अनस कहते हैं वो पेड़ आया चलता हुआ आका के कदमों में आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी शाखों को झुका दिया, गोया वो बाअदब होकर खड़ा हो गया। हजरत अनस कहते हैं वो आकर कुछ देर आका के कदमों में खड़ा रहा, मगर वो आका से क्या कह रहा था मैं उस पेड़ की जुबान को नहीं समझ सकता था, मैं नहीं जानता था उसकी जुबान। मगर कहते हैं कुछ देर के बाद वो पेड़ वापस गया, जाने के बाद अपनी जगह पर जाकर जड़ के साथ जम गया। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो मैंने आका को सारा मामला सुनाया तो मेरे आका ने यह नहीं फरमाया अय अनस मैं तो उस वक्त सो रहा था, अय अनस मैंने कुछ नहीं देखा, अय अनस मैं कुछ नहीं जानता। एक बात ज़हन में रखिएगा, अंबिया सोते भी हैं तो उनका दिल जागता रहता है, अंबिया का दिल कभी नहीं सोता। तो जब हजरत अनस ने वो सारा मामला मेरे आका को सुनाया तो मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि मैं सो रहा था, बल्कि मेरे आका ने जवाब अता फरमाया अय अनस तूने सही देखा है, वो पेड़ मेरी बारगाह में आया और आने के बाद मुझ पर दुरूद सलाम पेश कर रहा था, गोया वो पेड़ अपने अंदाज में यूं कह रहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्मे बस्मे हिदायत पे लाखो सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साहत पे लाखो सलाम। आला हजरत फरमाते हैं गोया वो पेड़ यूं अपने अंदाज में कह रहा था सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गोया वो पेड़ अपने अंदाज में यूं कह रहा था जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो
दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, महफिले मिलाद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। वो पेड़ तो आका पर दुरुदो सलाम पेश कर रहा था। सोचो इंसान के अलावा हैवानात भी, जमादात भी, पत्थर भी आका को सलाम करते हैं, पहाड़ भी आका को सलाम करते हैं, पेड़ भी आका को सलाम करते हैं। अरे जब सारे सलाम करते हैं तो हम आका के उम्मती होकर हम आका को सलाम क्यों ना करें? सुभान अल्लाह। हम सलाम क्यों ना करें और हम आका की आमद का मिलाद क्यों ना मनाएं? ये कहते हैं मिलाद का जब मौका आता है तो दलील मांगते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि हम तो दलील नहीं देते, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने आमद मिलाद यानी जश्न मिलादुन नबी की खुशी मनाना सुन्नियों के मुकद्दर में लिख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी दलील तो यही है, किसी ने क्या ही खूब कहा, क्या फरमाया कि हम दलील नहीं देते बल्कि दलील का तो अंबार किताबों में भरा पड़ा है। बस एक मुख्तसर सा जुमला ये है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मिलाद की खुशियां मनाना ये सुन्नियों के मुकद्दर में अल्लाह ने दर्ज फरमाया। इसीलिए तो शायर कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। ये तो इश्क की बात है प्यारे, इश्क की बात, समझने की बात है। सहाबा को कितना इश्क था नबी पाक से, सहाबा को इतना इश्क था नबी पाक से कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन मुंह से निकाल कर फेंकते, सहाबा उसे लेकर अपने चेहरे पर लगा लेते थे। कोई आंखों में मल लेता था, कोई आका के जो लुआबे दहन को लेकर खा जाता था, कोई अपने जिस्म पर लगा लेता था। जरा अबू बकर सिद्दीक से जाकर पूछो, अरे अबू बकर सिद्दीक ये किस किताब में लिखा था, अरे फारूक आजम ये किस किताब में लिखा था, अरे उस्मान गनी ये किस किताब में लिखा था, अरे हजरत अली ये किस किताब में लिखा था, तो जवाब आएगा, अरे नादान तुझे तौहीद का सबक किसी मुल्ला ने पढ़ाया होगा, तुझे तौहीद का सबक किसी आलिम दीन ने पढ़ाया होगा, तुझे तौहीद का सबक किसी शेखुल हदीस ने पढ़ाया होगा, हमें तो तौहीद का सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, महफिले मिलाद। ये तो इश्क की बात है प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबियां करने वाले जरा ये तो बताएं, जो लोग ये कहते हैं कि आका हमारी तरह है, क्या कहते हैं, आका हमारी तरह है माज़ अल्लाह। अब जो लोग ये कहते हैं अगर आका हमारी तरह बशर है और तुम उनकी तरह हो, तो फिर ये बताओ कि नबी पर तो 6 वक्त की नमाज फर्ज है, उम्मती पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो फिर तुम्हारी तरह कहां हो? नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज है, हम पर 5 वक्त की फर्ज है, बराबरी कहां हुई? अहकाम में भी बराबर नहीं, जात में भी बराबर नहीं, और इंसानियत में भी बराबर नहीं, अखलाक में भी बराबर नहीं, अखलास में भी बराबर नहीं, सूरत में भी बराबर नहीं, सीरत में भी बराबर नहीं, खूबसूरती में भी बराबर नहीं, जमाल में भी बराबर नहीं, सिफात में भी बराबर नहीं। अरे जब अहकाम में बराबर नहीं हो सकते तो जिसे अल्लाह ने आयबों से पाक बनाया है उस जात के बराबर कैसे? और इसकी दलील सबसे बड़ी ये है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द अव्वल है, उसमें इमाम बुखारी ने नकल फरमाया कि जब कभी नबी दुनिया से गुजर जाए, दुनिया से चला जाए, मुंतकिल हो जाए, तो उसकी विरासत में तरका नहीं बढ़ता है। बुखारी की हदीस है। इससे मैं आपको देखिए कहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आला हजरत ने इसी हदीस पाक का नक्शा खींचते हुए तर्जमा किया है। आला हज़रत फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है, उनकी अजवाज से जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। आला हज़रत ने इस दो शेर में हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज कर दिया और अपने अकीदा अहले सुन्नत को उजागर कर दिया। फरमाया कि उसका तरका बटे जो फानी है, क्या फरमाया? फानी है। और बुखारी की हदीस है कि जब अंबिया दुनिया से रुखसत हो जाएं, उनका इंतकाल हो जाए, दुनिया से पर्दा फरमा जाएं, तो उनकी विरासत में हिस्सा नहीं लगता है। और दूसरी बात बुखारी में यह भी लिखी हुई है कि जब कभी नबी दुनिया से चला जाता है तो उसकी अजवाज से निकाह जायज नहीं होता। क्या है? नबी अगर किसी को छोड़ दे या नबी दुनिया से चला जाए तो उसकी जो बीवी रहती है उससे किसी इंसान को निकाह करना जायज नहीं होता। और हम मर जाएं, अगर हम मर जाएं
तो हमारी अजवाज से निकाह जायज है। इद्दत गुजारने के बाद कोई भी हमारी बीवियों से शादी कर सकता है, और जब हम मर जाएं तो हमारे पास जो जायदाद होती है, जो विरासत होती है, उसमें हमारी औलाद का हिस्सा लगता है। लगता है या नहीं? हमारी जायदाद में तरका बटता है या नहीं? मगर नबी अपने बारे में फरमाते हैं कि जब नबी दुनिया छोड़कर चला जाए तो जो कुछ वो छोड़ जाता है वो सब कुछ सदका हो जाता है। नबी की विरासत में कभी हिस्सा तकसीम नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सोचें, जो लोग कहते हैं नबी हमारी बराबर है, हमारी तरह है माज अल्लाह, तो फिर ये बताओ कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारी जायदाद में तो हिस्सा बटता है, जब नबी दुनिया से जाता है उसकी जायदाद में हिस्सा नहीं लगता। बताओ तुम कहां अहकाम में भी बराबर हुए? तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, जब तुम मर जाते हो तुम्हारी बीवियों से निकाह जायज होता है, जब नबी दुनिया से चला जाता है उसकी अजवाज से निकाह जायज नहीं होता। पता ये चला, जब हम मरते हैं तो मर कर मिट्टी में मिल जाते हैं, और नबी को अल्लाह ने एक आन के लिए मौत फरमाई, उसके बाद उनकी कब्रों में उनकी रूह को लौटा दिया जाता है। जिस तरह वो दुनिया में बाकी थे उसी तरह अपनी कब्रों में भी जिंदा होते हैं। यही वजह है कि हम मरते हैं तो मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो जो फानी हो जाता है उसकी जायदाद में हिस्सा लगता है, जो मर जाता है उसकी अजवाज से निकाह जायज होता है, और नबी जिंदा है इसीलिए उसकी जायदाद में हिस्सा नहीं लगता, उसकी अजवाज से निकाह करना जायज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा, मरहबा, जिंदाबाद। यही तो फर्क है, नबी जिंदा है। अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गया होता तो उसकी जायदाद में जरूर हिस्सा लगता, उसकी अजवाज से जरूर निकाह जायज होता। तो इससे पता ये चला कि नबी जिंदा है तब तो उसकी जायदाद बाकी है, उसकी जायदाद में हिस्सा नहीं लगता। नबी जिंदा है तब तो उसकी छोड़ी हुई औरत से कोई निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि निकाह तो उस औरत से होता है जब उसका शौहर मर जाए या उसे छोड़कर चला जाए। अरे नबी जिंदा है तब तो ऐसा हुक्म उन पर नाफिज नहीं होता। तो जब अहकाम में भी नबी हमारे बराबर नहीं हुए तो जात में नबी हमारे बराबर कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने क्या ही खूब कहा है, बलगल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसुनत जमी और खिसाल ही, सल्लू अलैहि वाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इख्तियार अता फरमाया, ऐसा इख्तियार नबी की जात को कि इनसे पहले जितने भी अंबिया आए किसी को इनके मिसल इनकी तरह जो है इख्तियार अता नहीं किया गया। सबको नबी पाक का सदका दिया गया, हिस्सा दिया गया। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरती में कमाल मिला तो मेरे मुस्तफा के निस्फ मिला है, उनका आधा मिला है। अगर मुकम्मल जमाल देखना है तो मोहम्मद अरबी की सूरत को देख लो, जिसकी सूरत की कसम अल्लाह कुरान में उठाता है। अरे अल्लाह तो अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, कहीं महबूब के जमाने की कसम खाता है, कहीं महबूब के शहर की कसम उठाता है, कहीं महबूब के जुल्फों की बात करता है, कहीं महबूब के चेहरे की बात करता है। और कुरान में फरमा आता है, ला उक्सिमु बिहाजल बलद व अंत हिल्लुम बिहाजल बलद। क्या फरमाता है अल्लाह? तीसरे पारा की ये सूरह है, ला उक्सिमु बिहाजल बलद, महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। ऐ अल्लाह, तूने महबूब के शहर की कसम उठाई तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? पसे मंजर क्या है? क्या वहां पर काबा है इसलिए तूने कसम उठाई, या वहां मकामे इब्राहिम है या इसलिए कसम उठाई, या वहां संगे अस्वद है इसलिए कसम उठाई, या वहां अरफात का मैदान है इसलिए कसम उठाई, या वहां मीना है इसलिए कसम उठाई, या वहां मुजदलफा है इसलिए कसम उठाई? तो जवाब उधर से आएगा, ला उक्सिमु बिहाजल बलद व अंत हिल्लुम बिहाजल बलद, मुझे कसम इसलिए नहीं है कि वहां काबा मुअज्जमा है, मुझे कसम इसलिए नहीं है कि वहां जो है मकामे इब्राहिम है, मुझे कसम इसलिए नहीं है कि वहां मुकद्दस चीजें हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता है वो अंत हिल्लुम बिहाजल बलद, महबूब मुझे तेरे शहर की कसम इसलिए है कि तू इस शहर में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, तू इस शहर में रहता है, तेरा कदम नाज इस जमीन से लगा है, इसलिए मुझे तेरे शहर की कसम। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह तो अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है,
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के शहर की कसम उठा रहा है, कहीं जुल्फों की बात कर रहा है, कहीं चेहरों की बात कर रहा है, कहीं जमाने की बात कर रहा है, और परवरदिगार आलम अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि जब इनसे पहले जितने भी अंबिया आए तो सबका नाम ले लेकर पुकारा, या ईसा, या मूसा, या हारून, या इब्राहिम, या इस्माइल, सारे अंबिया का नाम ले लेकर अल्लाह ने खिताब किया। मगर जब कभी अपने महबूब का जिक्र करना मकसूद हुआ तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को अलकाब से याद फरमाया, फरमाया या अय्युहल मुद्दसिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, या रसूल, या यासीन, ताहा कहकर पुकारा, कहीं काफा कहकर पुकारा, कहीं यासीन कहकर पुकारा, कहीं मुज़म्मिल कहकर पुकारा, कहीं मुद्दसिर कहकर पुकारा। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में अपने महबूब को कहीं या मोहम्मद कहकर नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। यही वजह है कि शरीयत मुताहरा का एक मसला ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर पुकारना जायज नहीं। बाहर शरीयत में अल्लामा सदुर शरिया लिखते हैं कि या मोहम्मद कहना बंदों को जायज नहीं है, वो इसलिए कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को कहीं कुरान में या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा तो फिर बंदों की क्या मजाल की वो उसके महबूब को या मोहम्मद कहकर, सुभान अल्लाह, ऐ मोहम्मद कहकर पुकारे, ये जायज ही नहीं है। बल्कि हमारे लिए हुक्म तो ये आया तुम या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो, या नबी अल्लाह कहकर पुकारो, या रहम करने वाले कहकर पुकारो, मगर या मोहम्मद कहकर ना पुकारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया, मैंने आयत करीमा तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको ना भेजा मगर सारे जहान की रहमत बना। इसका सीधा तर्जमा ये होता है, कहे महबूब मैंने आपको सारे जहान की रहमत बनाकर, सुभान अल्लाह। तो आप जानते हैं कि जब परवरदिगार आलम ने रहमत बनाकर भेजा तो उस रहमत को मुलाहजा भी होना चाहिए, नजरों में मुशाहिदा भी होना चाहिए। आप जानते हैं कि अल्लाह की रहमतें, उसकी नेमतें हमा वक्त आसमान से जमीनों की तरफ बरसती रहती है, मगर हमारी निगाहों में वो बसीरत नहीं कि हम अल्लाह की रहमतों को देख सकें, उसकी नेमतों को बरसता हुआ देख सकें। मगर जब अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा, जब रहमत बनाकर भेजा तो जमाने वालों पर ऐसी रहमत हुई, ऐसी रहमत हुई कि नबी के आने से पहले अहले मक्का, कुफारे मक्का ऐसी जहालत में मुब्तला होते थे कि अगर उनके यहाँ लड़कियां पैदा होती थी उसे जिंदा मार दिया करते थे, उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उसे कुएं में फेंक दिया करते थे, यानी वो अपने आप की बेइज्जती समझते थे कि जिनके घर में लड़कियां पैदा होती थी जमाने वाले अहले मक्का उसे ताना दिया करते थे, ये देखो इनके घर में बेटी पैदा हुई है, इसलिए इस शर्म से बचने के लिए वो लोग अगर बच्ची पैदा हुई उसे मार दिया करते थे, उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे, कोई ले आकर कुएं में फेंक देता था, ये आलम था उनकी जहालत का। मगर जब आमिना के लाल के आने का वक्त हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान की रहमत बनाकर भेजा, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम इस आलम में रहते हैं, इस आलम की बात जानते हैं, मगर किताब उठाकर पढ़े ये एक आलम नहीं बल्कि 18,000 आलम है, मेरे आका सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, महफिले मिलाद। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने का वक्त करीब आया, जब वो वक्त आ गया तो आप जानते हैं मामला क्या हुआ, आप बताइए, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इस मुल्क में ना जाने रोज कितने लोग मरते हैं और कितने लोगों की पैदाइश होती है, कितने बच्चे रोज पैदा होते हैं, कोई तादाद मुतय्यन नहीं, किसी को मालूम नहीं कि अहले बनारस में कितने बच्चे पैदा हुए आज या कितने लोगों की मौत हुई, ये तादाद के बाहर है। उसी तरह अहले मक्का में भी बहुत सारी औरतें हामिला थी, बहुत सारे घर में विलादत होने वाले थी बच्चों की। तो ये बताओ जब किसी शहर में या किसी हॉस्पिटल में जब बच्चों की विलादत होती है तो किसी को बेटी पैदा होती है, किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है, कभी ये सुना कि एक ही शहर में सारे घर में बेटी पैदा हुई, कभी सुना आपने? ऐसा इत्तेफाक कभी ना हुआ। मगर जब अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा तो ऐसी रहमत बनाकर भेजा, ऐसी रहमत बनाकर भेजा, जिस दिन आमिना का लाल इस दुनिया में आया उस दिन बड़े पर तो क्या बच्चों पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, अल्लाह की रहमत को ये बात भी गवारा रही। जिस सुबह को आमिना का लाल मक्के की सरजमीन पर आया वहां की औरतें भी हामिला थी, बच्चों की बहुत ज्यादा विलादत होने वाले थी, मगर जब आमिना के लाल की विलादत हुई आप दुनिया में तशरीफ लाए
तो अहले मक्का में जहां जहां भी बच्चा पैदा हुआ है परवरदिगार आलम ने हर औरत को बेटा अता फरमाया, किसी को बेटी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले मिलाद। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अगर परवरदिगार आलम किसी को बेटी अता फरमाता तो वो अपनी जहालत की बुनियाद पर, जैसा कि वो करते थे जहालत में जमाने में अपने, वो उस दिन भी बेटी को मार देते। तो अल्लाह की रहमत को ये बात गवारा नहीं कि जिस दिन मेरा महबूब रहमतुल्लिल आलमीन बनकर जाए उस दिन किसी बच्ची पर जुल्म किया जाए। परवरदिगार आलम ने साले अहले अरब पर ऐसी रहमत फरमाई कि जितने भी घर में बच्चों की विलादत हुई परवरदिगार आलम सब को बेटा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की जो हम अपनी नजरों से देखते हैं। और एक नेमत की चलो और बात करते हैं, याद आती है अल्लामा मौलाए रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में एक रवायत लिखते हैं। कौन मौलाए रूम? ये कोई छोटे मोटे मौलाना नहीं। फना फिल्लाह की मंजिल पर गामजन, सुभान अल्लाह। फना फिर रसूल की मंजिल पर गामजन, सुभान अल्लाह। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े आलिम दीन शम्स तबरेज के शागिर्द, सुभान अल्लाह। उनके बड़े अजीज थे, उनके बड़े अजीज थे। इनको रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार का शौक था। शम्स तबरेज की बारगाह में गए, ऐसा जाम पिलाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में आकर अपना दीदार करा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मौलाए रूम है। ये अपनी किताब मसनवी शरीफ में लिखते हैं एक रवायत, कहते हैं एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुजरे में बैठी हुई। अब वो अरब की औरतें बड़ी बाहया और पर्देदार हुआ करती थी। जैसे ही अपने हुजरे में बैठी थी उन्हें किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। जैसे ही आहट महसूस हुई फौरन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने आगे पीछे टटोलती हैं ताकि कोई दुपट्टा मिल जाए या कोई कपड़ा मिल जाए जिससे मैं अपना सर अपना चेहरा छुपा लूं। आप जब टटोलती हैं कोई कपड़ा नहीं मिलता, मगर पास में वो तहबन शरीफ रखा होता है जिसे मेरे आका इस्तेमाल फरमाते हैं। तवज्जो रखिएगा, बड़ा ही प्यारी रवायत है, सुनेंगे दिल मचल जाएगा। फरमाते हैं मौलाए रूम हजरत आयशा ने हाथों से टटोला तो इनको कुछ ना मिला। पास में आका का तहबन रखा हुआ था, उनका हाथ तहबन शरीफ पर पड़ा। जैसे ही तहबन शरीफ पर हाथ पड़ा उसे उठाकर अपने सर पर रख लेती हैं। इतने में क्या देखती हैं कि बाहर मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। क्या फरमाती हैं कि मुझे बाहर मूसलाधार जबरदस्त रमझम रमझम बरखा बरसती हुई नजर आ रही है। इतने में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरामा खरामा नासा नासा कदम नास के साथ अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाते हैं हजरत आयशा खिलाफ मामूल काम करती है, फौरन खड़ी हो जाती है। होने के बाद कभी आका के जिस्म को छू रही है, कभी उनके दाढ़ी को छू रही है, कभी उनके रुखसारे मुबारक को छू रही है, कभी उनके सर को छू रही है। मेरे आका ने जब ये खिलाफ मामूल काम देखा तो फरमाते हैं, ऐ आयशा ये क्या बात है, आज तू खिलाफ मामूल काम कर रही है, तुझे क्या हो गया है? हजरत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह मैं क्या देख रही हूँ, बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है और आप अभी अभी बाहर से घर में तशरीफ ला रहे हैं, ना तो आपके कपड़े भीगे हुए हैं, ना आपके दाढ़ी पर बाल जो है, ना तो आपके दाढ़ी के बाल भीगे हुए हैं, ना तो आपके रुखसार पर पानी के कोई असरात नुमाया है। या रसूल अल्लाह मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया, अय आयशा, तबस्सुम फरमाते हुए कहते हैं, अय आयशा ये तो बताओ तुमने अपने सर पर क्या रखा हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने क्या पूछा, आए आयशा तूने अपने सर पर क्या रखा है? हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ये तो आपका इस्तेमाल किया हुआ तहबन है। मेरे आका ने फरमाया, आए आयशा ये इसी की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए आयशा ये इसी की बरकत है। हजरत आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह मुझे बात समझ में नहीं आई। मेरे आका ने फरमाया, आए आयशा तू अब तक बात ना समझी? कहा नहीं। मेरे आका ने फरमाया, आए आयशा जब तक तूने इस तहबन को सर पर नहीं रखा था तुझे ये बारिश नजर नहीं आ रही थी? फरमाती है, हाँ मुझे नजर नहीं आ रही थी। फिर जब तूने ये तहबन अपने सर पर रखा तुझे मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। आए आयशा ये जो तू बारिश बरसता हुआ देख रही है ये कोई दुनिया की जाहिरी बारिश नहीं है, बल्कि ये तो वो बारिश है जो अल्लाह
की रहमतें आसमानों से जमीन पर आती है, तू अल्लाह की रहमतों को मुलाहजा कर रही है। अरे आयशा, ये तो इस तहबन की बरकत है कि इस तूने मेरे तहबन को अपने सर पर क्या रखा। अल्लाह ने तेरी नजरों के आगे से गैब के पर्दे को हटा दिया है। तू जो आज बारिश बरसता हुआ देख रही है, तू अल्लाह की रहमतों को देख रही है, उसके गैब को देख रही है। तो मैं ये क्यों ना कहूँ, जो रसूल का सिर्फ इस्तेमाल किया हुआ तहबन अपने सर पर रख ले, उसको अल्लाह के गैब को मुलाहजा करती है। जिसने खुदा का दीदार किया हो, फिर उसकी निगाहों का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं ये क्यों ना कहूं कि जब आयशा ने सिर्फ तहबन रखा तो आलम ये हुआ कि अल्लाह के गैब को देख रही है। किसने अल्लाह का दीदार किया हो, फिर उसकी निगाहों का आलम क्या होगा। अरे वो मदीने में हो या कायनात के किसी भी गोशे में हो, वो जहाँ भी होता है अपने उम्मतियों की फरियाद को सुनता भी है, उसे देखता भी है, उसे पहचानता भी है, उसकी मदद को भी आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो इश्क की बात है प्यारे, जो आशिकों के दिलों में हुआ करती है। ये इश्क की बात है प्यारे, जो आशिकों के दिलों में हुआ करती है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये महफिल कोई मामूली महफिल नहीं है। हम जब दुनियावी महफिल सजाते हैं तो उस महफिल में हम अपनी मर्जी के मुताबिक आते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जाते हैं, उसमें हमें इख्तियार होता है। मगर ये वो मुकद्दस और मुतबर्रक महफिल है जिसमें ना कोई अपनी मर्जी से आ सकता है, ना कोई अपनी मर्जी से जा सकता है। अरे ये तो वो मुकद्दस महफिल है कि इस महफिल पाक में वही आता है जिसे मेरे सरकार बुलाते हैं। तभी तो शायर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। ये दुनियावी महफिलों की तरह महफिल नहीं, ये बड़ी मुकद्दस और मुतबर्रक महफिल है। इसलिए प्यारे, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। रसूल से मोहब्बत ही ईमान की हलावत बल्कि खुद ईमान है। अगर रसूल से मोहब्बत नहीं तो ये तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक के वो अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदार से सबसे ज्यादा मुझसे ना मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात कहकर गुजरना चाहूंगा। एक अशार आला हजरत का है, एक शेर, उसका एक शेर मुझे याद आता है जो शायर भी बड़ा झूम झूम कर पढ़ता है और सुनने वाले भी बड़ा झूम झूम कर सुनते हैं। वो शेर क्या है, आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। आखिरी बात आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा। सुभान अल्लाह। दूसरा शायर कहता है, जमाने वालों का किबला सलाम करता है, मेरे हुजूर को काबा सलाम। सुभान अल्लाह। जमाने वालों का किबला सलाम करता है, मेरे हुजूर को काबा सलाम। सुभान अल्लाह। जब मैंने इस शेर पर गौर किया तो मुझे दो तौजीह नजर आई, दो तौजीह समझ में आई। एक तौजीह तो मुझे किताब में ये मिली कि जब आला हजरत हज करने के लिए गए तो जब हज के अरकान को अदा कर लिया, अब वहां से सारे अहकाम को अदा करने के बाद अब मदीने जाने की तज़किरा हो रहा है, मदीने जाने की बातें हो रही है, तो आला हजरत मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं रसूल के दीदार के लिए, उनके रोजे पर हाजिरी के लिए, और अब हाजियों से कह रहे हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वजह तो ये है जो किताबों में मौजूद है कि आला हजरत ने उस मौके पर ये कलाम लिखा, और एक वजह उस वक्त मुझे समझ में आई कि जब मैं बुखारी शरीफ का मुताला कर रहा था तो इमाम बुखारी ने एक हदीस नकल फरमाई है बुखारी में, कहते हैं कि एक रोज, एक जहालत का भी मैं इजाला करता चलूं, एक रोज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज्यादा अलील थी। क्या थी? अलील थी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और जो सफर का महीना अभी भी गुजरा है, उस महीने में एक बुध होता है सबसे आखिरी, सबसे अखीर बुध होता है जिसे आप आखिरी बुध कहते हैं। तो लोगों से मैंने पूछा, ये बताओ ये आखिरी बुध क्यों मनाते हो भाई, क्या है इस दिन?
इसकी क्या दलील है, क्या सबूत है? तो किसी ने कहा कि इस दिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शिफा मिली। किसी ने कहा कि इस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में आराम हुआ तो आका सफर के लिए निकले थे। किसी ने कहा इस दिन आका की तबीयत बेहतर हुई तो आका सैरो तफरीक के लिए निकले। मुख्तलिफ किस्म के जवाबात मिले। तो मैंने यही कहा कि आका के पास इतना वक्त कहाँ था कि वो सैरो तफरीक के लिए निकलते। यही वजह है कि जो लोग जहालत में मुब्तिला हैं वो आखिरी बुध वाले दिन बड़ा धूमधाम से घूमने फिरने जाते हैं, सैरो सियाहत करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो जब मैंने इसकी तहकीक करना शुरू की और उस दिन को तलाश किया जिस दिन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज्यादा अलील थी, तो वो वाकई में सफरुल मुसफर का वो आखिरी बुध था। मगर जो लोगों में ये बात मशहूर है कि इस दिन आका को आराम मिला था, इस दिन आका को शिफा मिली थी, ये बात बिल्कुल झूठ और गलत है। बुखारी शरीफ की शरह फतहुल बारी में ये रवायत मौजूद है, जिल्द एक में वो लिखते हैं, कहते हैं कि उस दिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत में आराम नहीं बल्कि और ज्यादा मेरे आका की तबीयत अलील हो गई। सोचें कितनी ज्यादा खुराफात और जहालत अवाम में मशहूर है कि लोग आखिरी बुध वाले दिन बड़ी खुशियां मनाते हैं और रवायत में ये आया कि उस दिन आका की तबीयत और ज्यादा अलील हो गई थी, और ज्यादा अलील हो गई। तो उसी दिन का ये मामला है कि जब आका की तबीयत और ज्यादा अलील हो गई तो उस दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत अब्बास भी मौजूद थे, हजरत अनस भी मौजूद थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबी में थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे और दीगर बहुत सारे सहाबाए कराम मस्जिद नबी में आका का इंतजार कर रहे थे कि आका आएंगे और हमें नमाज पढ़ाएंगे। मगर आका की तबीयत बहुत ज्यादा अलील थी। इस ऐसे माहौल में भी, ऐसे वक्त में भी आका की जुबान पर क्या जारी था? आका की जुबान पर सिर्फ एक बात जारी थी कि मेरे सहाबा ने नमाज पढ़ लिया, यही एक बात जारी थी। मेरे आका ने अगर कुछ कहा है उस वक्त तो कहते हैं कि मेरे सहाबा ने नमाज पढ़ लिया। हजरत अली ने कहा कि नहीं, सहाबा अभी इंतजार कर रहे आपके कि आप तशरीफ लाए तो हमारी इमामत फरमाए। तो मेरे आका ने कहा कि जाओ सहाबा से नमाज पढ़ लो। अगर सहाबा इंतजार कर रहे हैं कि हम नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ेंगे जब नबी आकर ना पढ़ाए। जब बहुत ज्यादा देर हो गई तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को महसूस हुआ कहीं ऐसा ना हो कि नमाज कजा हो जाए। मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, बुलाने के बाद कहा अय अबू बकर सिद्दीक जाओ मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर नमाज पढ़ाओ। गोया इस बात की तरफ इशारा भी था ये कि अय अबू बकर सिद्दीक अगर मेरे बाप कोई मुसलमानों का खलीफा होगा तो वो कोई नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की तरफ इशारा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, मुसल्ले इमामत पर खड़े होते हैं, पीछे सहाबा की सफ लगती है, तकबीर तहरीमा होने के बाद नमाज शुरू हो जाती है। अब ये बताओ अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो कोई चला आए और मुड़कर कोई अगर उसका दीदार कर ले, उसको देखने लग जाए तो क्या नमाज बाकी रहती है? नमाज तो टूट जाती है। कोई कलाम कर ले तो नमाज टूट जाती है। अगर नमाज में कोई इशारों से बात कर ले तो नमाज टूट जाती है। जानते हैं ना ये। मगर देखो सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का इश्क देखो, उनका अंदाज देखो, उनका अखलाक देखो, उनका तरीका देखो, उनके तौहीद का तरीका देखो, उनके उनका जो है इश्क का तरीका देखो कि वो रसूल से किस तरीके से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं इमाम बुखारी कहते हैं कि तमाम सहाबा नमाज अदा कर रहे थे और इतने में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि मुझे उठाकर मस्जिद नबवी की तरफ ले चलो। आप एक नक्शा जहन में रखे कि अगर आप मस्जिद नबी शरीफ में जाएंगे तो अगर मुसल्ले पर अगर आप खड़े होंगे और मुसल्ले पर जब आप किबले की रुख खड़े होंगे और आपको वहां पर खड़े होकर रसूल के रोजे की जियारत करनी होगी तो वहां से बिल्कुल बाईं जानिब मुड़कर देखना होगा। सुभान अल्लाह, क्योंकि मिंबरे रसूल से मेरे आका का रोजा बिल्कुल बाईं जानिब, बिल्कुल बाईं जानिब। अगर किसी को दीदार करना होगा तो पूरा घूमना पड़ेगा, घूम कर तब उससे आका के रोजे की जियारत होगी। तो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, मेरे आका ने कहा मुझे उठाओ मस्जिद नबी की तरफ ले चलो। एक तरफ से हजरत अली ने हाथ लगाया, दूसरी तरफ से हजरत अब्बास ने हाथ लगाया और एक रवायत में आता है एक तरफ से हजरत अनस ने और दूसरे तरफ से हजरत अली ने हाथ लगाकर नबी को उठाया मस्जिद नबी की तरफ लेकर चलने लगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजरे पर उनके दरवाजे पर चिलमन
लटका हुआ था, पर्दा लगा हुआ था। मेरे आका ने जैसे ही अपने हाथों से उन पर्दों को हटाया है, मस्जिद नबी में जो सहाबा नमाज अदा कर रहे थे उन्हें महसूस हो गया नबी आने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ उनका इश्क कैसा था, कैसे मालूम चला नबी आ रहे हैं? उन्हें खुशबू से मालूम हो गया कि नबी आ रहे हैं। उनका अकीदा था कि नबी वो जात है, अगर वो जिस मकाम पर चला जाए वो खुशबूदार हो जाया करती है, जिस गली से गुजर जाए वो गलियां खुशबूदार हो जाया करती है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर हो गई सारी जमीन अंबरे सारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका तो वो है जिस गली से गुजर जाए वो गलियां खुशबूदार हो जाए। जैसे ही मेरे आका ने चिलमन को हटाया, पर्दे को खसकाया, सहाबा को महसूस हो गया नबी आने वाले हैं, खुशबू से पहचान लिया नबी आने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ रहे हैं, तमाम सहाबा अपने हाथों पर हाथ मारने लगे, यानी अबू बकर सिद्दीक को आगाह करने लगे, अरे अबू बकर सिद्दीक पीछे चले आओ नबी आने वाले है, अरे अबू बकर सिद्दीक पीछे हट जाओ, मुसल्ला इमामत को छोड़ दो नबी आने वाले है। अभी सारे सहाबा इंतजार कर रहे थे, मगर कुछ देर जब हो गई नबी तशरीफ ना लाए, जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो तमाम सहाबा ने बयक वक्त किबले से मुंह फेर कर मोहम्मद अरबी के उनके हुजरे की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा ने अपने चेहरे को नमाज में मौजूद है, नमाज पढ़ रहे थे बुखारी में, नमाज पढ़ते पढ़ते चेहरे को किबले से फेर कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ कर लिया। तो जब करते हैं तो सिर्फ चेहरा नहीं करते बल्कि नबी का दीदार भी करते हैं, और जब दीदार किया तो मेरे आका ने हाथ के इशारों से इशारा फरमाया, ऐ सहाबा अपनी नमाज को तुम मुकम्मल कर लो। उनके इशारे को समझते हुए तमाम सहाबा ने नमाज को मुकम्मल किया, किसी ने सजदा सहू भी नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है, जरा वो जाहिल लोग कहाँ हैं? देखो सहाबा की जमात हालत नमाज में मुड़कर नबी का दीदार करते हैं। नबी कहते हैं तुम अपनी नमाज को मुकम्मल कर लो, वो नमाज को मुकम्मल करने के बाद अब तस्किरा करते हैं, अरे हमने तो आका का बड़ा दीदार किया है। एक सहाबी कहते हैं, वो अपना ख्याल बयान करते हैं, लोगों के सामने जाहिर करते हैं कि हम तो उस दिन नमाज पढ़ रहे थे, हमने आका का बड़ा दीदार किया, आका को बड़ा देखा है, मगर अल्लाह की कसम हमने जब रसूल को हालत नमाज में रसूल का दीदार किया है, अल्लाह की कसम मेरे आका का चेहरा चौदहवी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब देखें सहाबा का अकीदा कैसा था। तुम कहते हो नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, और सहाबी का अकीदा तो देखो और बयान भी करते हैं, कहते हैं हमने सिर्फ दीदार नहीं किया बल्कि जमाले मुस्तफा को देखा, उनके जमाल को देखा, उनके कमाल को देखा, और कमाल को देखने के बाद चुप नहीं रहते बल्कि अर्ज करते हैं बयान करते हैं, हमने आका का बड़ा दीदार किया है, मगर जो हलावत जो लज्जत आज हमने नमाज में मुस्तफा का दीदार की पाई है, हमने जब दीदार किया तो ऐसा लगता था कि चांद भी मेरे आका के चेहरे के सामने फीका नजर आया। अब हम जैसा नादान अगर वहां पर होता तो सहाबा ये सवाल करता, ऐ सहाबा की जमात क्या आपको मालूम नहीं नमाज जब पढ़ी जा रही हो हर जिक्र से हाथ उठा लिया जाता है, आपको ये मसला नहीं मालूम कि जब काबे की तरफ मुंह किया जाता है अगर काबे से मुंह मुनहरिफ हो जाए या काबे से मुंह को फेर लिया जाए, अगर काबे से कोई बंदा मुनहरिफ हो जाए घूम जाए तो नमाज टूट जाया करती है। ऐ सहाबा की जमात आप तो हमसे बेहतर दीन को जानते हैं, हमसे बेहतर इस्लाम को समझते हैं, हमसे बेहतर शरीयत को जानते हैं, तो फिर ये बताओ तुमने हालत नमाज में किबले से मुंह को क्यों फेरा? तो उधर से जवाब आएगा, अरे नादान तुझे तौहीद का सबक किसी मुल्ला ने पढ़ाया होगा, अरे नादान तुझे तौहीद का सबक किसी शेखुल हदीस ने पढ़ाया होगा, हमें तो तौहीद का सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। अरे नादान नमाज तो उस वक्त टूटती है जब किबले से मुंह फेर कर किसी गैर की तरफ किया जाए, अरे नादान जरा तू देख तो हमने किबले से मुंह तो फेरा है मगर ये तो देख किसकी तरफ किया है, किसी गैर की तरफ नहीं बल्कि जिसे किबला सलाम करता है, हमने काबे से मुंह फेर कर काबे के काबे की तरफ कर लिया है, उसी को आला हजरत कहते हैं। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो इश्क की बात है प्यारे, सहाबा से बेहतर अकीदे वाला कौन है, उनसे बेहतर दीन को समझने वाला कौन है, उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? तो हम तो सहाबा के तरीके पर चलने वाले लोग हैं, हम तो अहले सुन्नत वल जमात से राबता रखने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह उसके रसूल के रास्ते को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो फिर हमारा यही अकीदा है कि नबी सबसे अफजलो आला है। नबी बशर तो है मगर हमारी तरह बशर नहीं है, नबी हमारे लिबास में क्यों आया? इसकी सबसे बड़ी हिकमत ये थी, अगर परवरदिगार आलम अपने महबूब
हुरों को जिन्नों की शक्ल में भेजता या जो है हुरों की या फरिश्तों की शक्ल में भेजता, तो फिर ये बताओ जब दुनिया में अगर नबी आता और फरिश्तों की शक्ल में आता तो उसका दीदार कौन करता, कौन उसे देख पाता? अगर परवरदिगार आलम जिन्नों की शक्ल में अपने नबी को भेजता तो फिर बताओ जिन्नों के पास कौन जाता? उससे लोग डरते, फैजियाब ना हो पाते, उससे शरफ हासिल ना कर पाते। इसलिए परवरदिगार आलम ने लोगों की हिदायत के लिए उन्हीं में से एक रसूल यानी लिबासी सूरत में भेजा कि जब तुम्हारे पास नबी आ गया तो जब नबी दुनिया में हमारे लिबास में आए मगर हमसे अफजलो आला है, बशरी लिबास में आए मगर हमसे अरफाओ आला है। जब नबी आए तो अबू बकर सिद्दीक ना थे, उमर फारूक ना थे, उस्मान गनी ना थे, अली शुजात के शहनशाह ना थे, मगर जब वो नबी अल्लाह का हमारे लिबासे बशरी में आया तो उसके पास अबू बकर सिद्दीक गए, तो जब उनके पास अबू बकर गए तो सिद्दीक बनकर चमक गए, जब फारूक गए उस हजरत उमर गए तो फारूक आजम बनकर चमके, शहंशाह अदालत बनकर चमके, जब हजरत उस्मान गए तो सखियों के सरदार बनकर चमके, जब हजरत अली गए शुजात के शहंशाह बनकर गए। अगर नबी इंसानी लिबास में ना आता तो अबू बकर सिद्दीक ना बनता, उमर फारूक ना होता, उस्मान गनी ना होता, अली हैदर कर्रार ना होते। इस कायनात में जिसको भी बुलंदियां मिली है रसूल के फैज से मिली है। अगर रसूल इंसानी लिबास में ना होता है तो इस कायनात को जो है ना तो वजूद बख्शा जाता, ना जो है रुश्तो हिदायत का पैकर बनाया जाता और ना ही इंसान कभी हिदायत के रास्ते पर गामजन होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी हिकमत ये थी, वजह यही थी, इंसानी लिबास में अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि इंसानों के पास जाकर रसूल उन्हें समझाए ईमान और कुफर के दरमियान जो फर्क है उसे समझाए। क्या है इंसानों, दुनिया में आए हो अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है, ना कि ऐश इशरत के लिए बनाया है। दुनिया में आए हो 14 साल के हो गए हो, तुम पर नमाज फर्ज हो चुकी है, अब तुझे नमाज पढ़ना होगा। जब 14 साल के बाद जिंदगियां आगे बढ़ती हैं तो तुम कितने भी बड़े मर्ज में मुब्तिला हो जाओ नमाज किसी सूरत माफ नहीं होती है। जब तुम्हें फालिज का शिकार हो जाए मगर देखने की कुव्वत तुम्हारे अंदर बाकी है ऐसी हालत में भी नमाज माफ नहीं होती है। बल्कि फुकहा फरमाते हैं अगर तुम्हारा पूरा जिस्म काम ना कर रहा हो मगर आंखों से तो देख रहे हो, सर को तो हिला रहे हो, तो कहते हैं तुम्हें आंख के इशारे से नमाज पढ़नी होगी। अगर तुम खड़े नहीं हो पाते हो तो तुझे बैठ कर नमाज पढ़नी होगी। अगर तुम्हारे पास अल्लाह ने टांग नहीं दी है तो तुझे बैठ कर नमाज पढ़नी होगी। अगर तुम खड़े नहीं हो सकते हो तो लेट कर नमाज पढ़नी होगी। मगर किसी भी सूरत में नमाज को माफ नहीं किया गया है। अरे नमाज तो ऐसी इबादत है जो अफजलुल इबादत है, इबादतों की बुलंदियां जिस मुकाम पर पहुंचकर खत्म हो जाती है उस बुलंदी इबादत का नाम नमाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज नमाज देखिए मेरे आका ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। तो कुछ लोग नमाज को जन्नत की कुंजी समझकर बस नमाज पढ़ने लगे, बस उठा पटक करने लगे, माथे पर गट्टा को सजा लिया, पैजामा को इतना उठा लिया और बस उठा पटक कर नमाज पढ़ने लगे और कहने लगे मेरे आका ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। मैंने एक दिन उलमा की बारगाह में ये सवाल पेश किया, अरे उलमा की मुकद्दस जमात ये जरा ये तो बताओ क्या हर नमाज जन्नत की कुंजी है? तो जवाब आया हर नमाज जन्नत की कुंजी नहीं है, बल्कि वो नमाज जन्नत की कुंजी और चाबी है जो नमाज इश्के मुस्तफा में डूब कर पढ़ी जाए, वो नमाज जन्नत की कुंजी है जो तरीके मुस्तफा पर अदा की जाए। अरे वो नमाज जो तरीके मुस्तफा और इसके मुस्तफा से खाली हो वो जन्नत की नहीं बल्कि वो जहन्नम की कुंजी है। आला हजरत फरमाते हैं जिक्रे खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों वल्लाह जिक्रे हक नहीं कुंजी सकर की है। ये प्यारे अपने दिलों को सुकून बख्शना चाहते हो, चेहरे पर सालहीन का नूर लेना चाहते हो, अपनी दुआओं को मकबूल कराना चाहते हो, अपने घर में रहमतों का नुज़ूल कराना चाहते हो, अपने रिज़्क़ में बरकतों का जो है इजाफा कराना चाहते हो तो सुनो तुम्हें अल्लाह का जिक्र करना होगा, तुम्हें नमाज पढ़ना होगा। नमाज छोड़कर कोई भी भलाई नहीं है। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि आज तुम नमाज पढ़ो कहीं ऐसा ना हो कि कल वो दिन आ जाए कि लोग तुम्हारी नमाज पढ़ने के लिए चले जाए। इसलिए अपनी जिंदगी को गनीमत समझो ऐ नौजवानों, और जितनी भी नमाज पढ़ने का वक्त मिला करे तुम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो किसी भी लिबास में हो नमाज हर लिबास में हो जाती है। अगर मजबूरी वाले लिबास में हो तो मजबूरी लिबास में हो जाती है, अगर मजबूरी लिबास नहीं है पैंट शर्ट में हो उसमें भी नमाज हो जाती है, तहबन में हो उसमें भी नमाज हो जाती है। बल्कि फुकाहा ने कहा अगर तुम इतने गरीब हो तुम्हारे पास पहनने के लिए लिबास भी नहीं है, तुम नंगे रहते हो तो नंगे बैठ कर तुम्हें नमाज पढ़ना होगा, ऐसी सूरत में भी तुम्हारे लिए नमाज माफ नहीं है। सोचो
नमाज कितनी बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगों अगर अपने दिलों को सुकून बख्शना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की याद में खोया करो, मशगूल रहा करो, इसलिए कि जो अल्लाह को याद करता है उसका जिक्र करता है उसके चेहरे पर अल्लाह सालेहीन का नूर अता फरमाता है, उसकी उम्र में बरकत डाल देता है और वो जो भी दुआ अल्लाह से करता है परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए प्यारे नौजवानों कोशिश करो कि नमाज को उनके वक्तों पर अदा करो, जमात से पढ़ो, जमात छूट जाए तो अपने घर में अदा कर लिया करो, किसी भी लिबास में हो ऐ नौजवानों तुम्हें नमाज पढ़ना ही होगा, इसलिए कि परवरदिगार आलम को नौजवानों की इबादत बड़ी महबूब है, पसंद है। इसलिए मुसलमानों अपने दिलों को चरागा बनाओ, उसे रोशन करो अल्लाह से दुआ कर करके और उसके हुजूर नमाज पढ़ो, सजदा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। इसलिए कि किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, ना दौलत से ना शोहरत से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को। एक बात ये बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करामत रिकॉर्डिंग सेंटर में हो रही है। जिन हजरात को इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हासिल करनी है वो यूट्यूब पर जाकर करामत रिकॉर्डिंग बनारस सर्च करके हासिल कर सकते हैं।